Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. I am Munesh Kumari, Chief Mentor and Senior Faculty at Abhimanyu IAS Institute, mentoring quantitative aptitude and logical reasoning. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसे कि लाखों एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डिस्कस करने वाली हूँ. So I hope this video will be very helpful for all the candidates preparing for civil services examination. So सभी पहले शेयर कर देंगे जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में, उसके बाद में अभी स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू शुड नो कि UPSC 3 स्टेजेस के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है. द फर्स्ट स्टेज इज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ओके. अगर आप इस स्टेज को क्लियर करते हो देन यू गो फॉर द सेकेंड स्टेज, दैट इज़ मेंस एग्जामिनेशन. उसके बाद आप जाते हो मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, ओके. जब आप सेकेंड मेंस क्वालिफाई कर जाते हो, क्लियर कर लेते हो उसको, उसके बाद में आपके जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ इंटरव्यू और यू कैन से पर्सनैलिटी टेस्ट, ओके. दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं अपनी जर्नी की टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, सो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ओके. और जब हम बात करते हैं बेटा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं. फर्स्ट इज GS पेपर 1 और सेकंड होता है आपके पास में GS पेपर 2, जिसको हम CSAT बोलते हैं, ओके, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. तो टोटल दो आपके पेपर होते हैं. अब देखते हैं कि अगर आपको फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज की तरफ जाना है तो क्या क्राइटेरिया है उसके लिए. देखिए, आपको लॉजिकली समझाती हूँ. देखिए, जब हम बात करते हैं कि भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करके हमें कहाँ पे जाना है, सेकंड एग्ज़ाम के लिए मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. तो उसके लिए पहले देखिए 2 पेपर है. 2 पेपर के अंदर अगर मान लीजिए आपका जो फर्स्ट पेपर है, लॉजिकली समझा रही हूँ बेटा, ध्यान से समझो, कि अगर आपका फर्स्ट पेपर के अंदर कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इफ़ यू गेट मोर मार्क्स देन द कट ऑफ एंड ऑल्सो यू गेट मोर मार्क्स देन क्वालिफाइंग मार्क्स इन GS पेपर 2, देन यू आर एलिजिबल फॉर मेंस एग्ज़ाम. तभी आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, दैट मीन्स कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप है उससे हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है. अब बात आ रही है दूसरी, कि अगर आपके मार्क्स लेस देन है कट ऑफ इन GS पेपर 1 एंड यू क्वालिफाई GS पेपर 2, इन दैट केस अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मेंस. अगर आपके मार्क्स है greater than cut off in GS paper 1 but you have less marks than the qualifying marks in GS paper 2, again you are not eligible for the mains exam, okay. इसी तरह से सेम वे अगर हम बात करें कि अगर आपके कट ऑफ से कम है किसमें, GS पेपर 1 के अंदर, और कट ऑफ से कम मार्क्स है GS पेपर 2 के अंदर, अगेन यू आर नॉट एलिजिबल, ओके. दैट मीन्स कि सेकेंड स्टेप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इन दोनों पेपर्स के अंदर आपका पास होना. मीन्स कि यहाँ पे आपका मार्क्स होने चाहिए, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए GS पेपर 1 के अंदर, एंड यू शुड क्वालिफाई पेपर 2, GS पेपर 2, दैट इज़ CSAT का जो पेपर है आपका, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ओके. जब हमें पता है कि दोनों के दोनों पेपर पास करने हैं मुझे सेकंड मेंस के अंदर जाने के लिए, इन दैट केस यू शुड थिंक कि यहाँ पे आपके लिए दोनों पेपर इक्वली इम्पोर्टेंट है, GS पेपर 1 भी इम्पोर्टेंट है, सेम आपका GS पेपर 2 भी इम्पोर्टेंट है. अगर GS पेपर 2 आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो चाहे इसके अंदर आपके 200 में से 190 मार्क्स आ जाए, सारा वेस्ट है, पूरे साल खराब है, ओके. दैट बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर UPSC 90% कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उस टाइम पे उनका मेन फोकस कहाँ पे होता है, उनका सारे का सारा फोकस होता है जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट्स पे। यस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, सारा टाइम वो उसके ऊपर ही लगाते हैं कि हाँ जी ये हमने सारा अच्छे से करना है। एंड दे इग्नोर द सेकंड पेपर दैट इज सीसेट। और वो भूल जाते हैं कि अगर यहाँ पे मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती हूँ या डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ तो उसके इसके अंदर मैं इस कैटेगरी में चला जाऊँगा। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों पेपर इक्वली इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स कि जितनी डेडिकेशन के साथ में आप जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उतनी ही डेडिकेशन के साथ में आपको जीएस पेपर 2 के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है तो उस केस के अंदर आपको उस पेपर को क्लियर करने के लिए दोनों के दोनों पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, जब आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ोगे तभी आगे आपकी जर्नी बढ़ेगी ना, अदरवाइज कैसे। क्लियर, आई थिंक लॉजिकली सभी को समझ आ गया है कि दोनों के दोनों पेपर इक्वली इम्पोर्टेंट है एंड वी शुड फोकस ऑन बोथ द एग्जाम्स। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं बेटा सीसेट की, अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में मेनली सीसेट को ही डिस्कस करने वाली हूँ कि जब हम बात करते हैं सीसेट पेपर की, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की, देन हम क्यों इग्नोर कर देते हैं इस पेपर को। जब हम मेंस के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमने इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ना है, अपना ड्रीम जॉब लेनी है, तो उस केस के अंदर हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं इस पेपर को। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद बच्चों के माइंड में यही आता है कि भाई क्वालिफाइंग एग्जाम है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यही सोच के चलते हैं, जिन भी लोगों से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि मैडम क्वालिफाइंग एग्जाम है, इतना तो हम कर लेंगे, सिर्फ मुझे 33% मार्क्स ही तो लेने हैं, 66.7 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, वेरी इजी। बट जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाते हो, वहाँ पे जब आप पेपर देखते हो, तो उस केस के अंदर बेटा ये जो 33% मार्क्स हैं, 66.7 मार्क्स है, यही लेने मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हो, हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, थर्ड नहीं हो रहा, यहाँ पे तो बड़ा ही अजीब सा पेपर आया हुआ है, जब उस टाइम पे नहीं हो पाता है। एक्चुअली दिस इज द ट्रैप बाय यूपीएससी मेनली क्या चेक कर रही है कि हाँ जी पहले कि इसको ने नाम दिया कि हाँ जी क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लेने, और स्टूडेंट्स इसी को ही साइड में कर देते हैं, बट फाइनली वो इसी की वजह से रह जाते हैं। अभी 5 जून को एग्ज़ाम था सभी ने, अगर आपने पेपर देखा है तो आपने देखा होगा कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ जी आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा जीएस तो हो जाएगा, जीएस मेरा हो जाएगा, बट सीसेट रह गया इस बार। तो बेटा ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड से यही निकालना है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, बिल्कुल निकाल दो। बिकॉज अगर हम एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया, हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी हर बार इंक्रीज होता जा रहा है। दैट मीन्स कि यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर सीसेट एग्जाम। ओके, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, अब उसके लिए हमने प्रिपेयर करना कैसे। सबसे पहले जब आप बात करते हो सीसेट की, तो सीसेट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस देखिए। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर बेटा क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पार्ट होता है एग्जाम के अंदर 80 क्वेश्चंस में से, वो इसी का होता है 80। इस बार भी 34 क्वेश्चंस थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज़ इंग्लिश। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आप चेक करते हो, मैथ्स के क्वेश्चन चेक करते हो, दे आर आल्सो लॉजिकल क्वेश्चंस। हाँ जी, कैलकुलेशन नहीं आ रही, डायरेक्ट क्वेश्चंस आने बंद हो गए एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्या आ रहा है आपके पास में, स्टेटमेंट के अंदर आपको उलझा रखा पूरा पजल की फॉर्म के अंदर, और आपको उसका एक आंसर निकालना है। ठीक है, या फिर आपके पास में डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, या फिर एक स्टेटमेंट गिवन है और नीचे 3 स्टेटमेंट है कि बताओ कि इस स्टेटमेंट के बेस पे जो गिवन स्टेटमेंट से दैट विल बी ट्रू और फॉल्स। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद आता है आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। एंड अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आता है बेटा आपके पास में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे भी पैटर्न चेंज हो गया है। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते कि हाँ जी फ्रेजेज आ गया या सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गया, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं। और आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी जस्ट क्या चेक कर रही है कि आपकी मेंटल एबिलिटी, वैसे भी सिलेबस में मेंटल एबिलिटी लिखा होता है ना, आपने देखा होगा, मेंटल एबिलिटी आपकी चेक कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड इन द फॉर्म ऑफ एनालिटिक। ओके, इसके अंदर आपके पास में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, लाइक कंक्लूजन, आपके पास में अजम्पशन, असर्शंस, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में। जो क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर आपको बताना है कि क्या कंक्लूजन रहेगा, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। ओके, तो इस तरह से आपके पास में इन्फ्रेंस क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो टोटली आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है। दूसरा, हर बार ये भी चेंज हो जाता है। अब कई बार हमारे माइंड में आता है कि हाँ जी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लास्ट, जब अगर आपके पास में हाँ जी अब हमारे पास में एग्ज़ाम आने वाला है, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे मान लो मेरा एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उस टाइम पे मैं क्या सोचूंगी कि जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो कर लेते हैं। बट अभी स्टार्टिंग है 2023 के लिए, तो अभी हमने क्या करना है, पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। ये रखो माइंड में कि भाई मुझे पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। यूपीएससी है, कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम प्रीवियस देखें तो आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते थे एग्जाम के अंदर, बट इस बार पूरे 5 क्वेश्चंस पर फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, नंबर सिस्टम के अंदर से 14 क्वेश्चंस थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चेंज है वो कहीं से भी आ सकते। क्वेश्चंस कई बार हम सोचते हैं कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन, इस बार ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि सारे टॉपिक्स एक बार तो आपने करने ही करने हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपने करना है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हम टाइम इस पे डिवोट कर लेंगे, बाद में ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली जीएस पे हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक बार पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा सिलेबस आप लोगों ने कवर करना है। अब बात आती है कि सिलेबस को कवर कैसे करें, ठीक है, टॉपिक्स कैसे हमने प्रिपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक उठा लेती हूँ, लाइक दिस इज टाइम एंड वर्क। ओके, आप एक टॉपिक कर रहे हो टाइम एंड वर्क। अब अलग अलग स्टूडेंट ना अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि मेरे पास में एक किताब है, बुक उठाई मैंने, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन है, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, उसका सॉल्यूशन है। हाँ जी, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन पढ़ा, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन पढ़ा, आगे बढ़ गए। इस तरह से मान लीजिए मैंने टाइम एंड वर्क के 300 क्वेश्चंस कर लिए, मैंने 300 क्वेश्चन कर लिए। अब बात आती है एग्जाम की। जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो क्या हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यूपीएससी के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपने जस्ट क्रैमिंग की हुई है कि हाँ जी रटे रटाए क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे, भूल जाओ। इसलिए ये वाला मेथड आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, इस वाले मेथड से प्रिपरेशन नहीं करनी। क्या करोगे आप लोग, यस, क्या करना है, गो फॉर द बेसिक्स। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, टफ पेपर नहीं आता। बार बार मैंने पहले भी बताया, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, कि बेटा यूपीएससी के अंदर टफ पेपर नहीं आता। पेपर कैसा आता है, लॉजिकल पेपर आता है। इफ़ यू आर लॉजिकली स्ट्रॉन्ग, इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर, इन दैट केस यू विल इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, बट अगर आप न्यूमेरिकली आपने प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की, बट यू आर नॉट लॉजिकली स्ट्रॉन्ग, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उस केस में आपको नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मैं टॉपिक कर रही हूँ तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कैसे मैंने उनको सॉल्व करना है, किस कंडीशन पे मुझे क्या अप्लाई करना है। ओके, तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं छोटा सा एग्जांपल उठाती हूँ। एक क्वेश्चन आ गया आपके पास में, आई हैव 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब ये बताओ कि आपके पास में एक सीरीज़ है नंबर्स की, कंजिक्यूटिव की, और साथ में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स आ गए। 3 स्टेटमेंट्स आ गए क्या, सम ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर आपको गिवन हो सकता है, या इसके अंदर आगे आपके पास में सम ऑफ इंटीजर्स, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि जो सम ऑफ इंटीजर, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर एंड देयर मल्टीप्लिकेशन देयर प्रोडक्ट विल बी सेम, बताओ कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इंटीजर पे क्वेश्चन आ सकता है, प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से आपके पास में इवन ओड पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इवन ओड नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब आपका कंसेप्ट, जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स का सम बताओ, तो अब हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, हाँ जी 1 2 3, 1 2 3, और हम क्या आंसर करेंगे कि हाँ जी 6 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। बट अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ जी जो आपके पास में 1 है, दिस इज प्राइम नंबर और नॉट, 1 इज प्राइम नंबर और नॉट, हाँ जी दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रोंग करके आ जाएंगे। तो अभी पहले तो ये पॉइंट सभी मुझे बताएंगे, हाँ जी 1 इज प्राइम नंबर और नोट। तो इसी तरह से नंबर्स के साथ खेलना है बेटा, बट टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते। सो यू शुड नो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए कंपोजिट नंबर, ओके। तो इस तरह से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अब जब हमारे पास में बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए हैं क्वेश्चंस के, तो साथ साथ में करना क्या है, साथ साथ में यू शुड प्रिपेयर नोट्स, ओके। नोट्स बनाते हुए चलोगे आप लोग, क्या करना है हर एक टॉपिक का, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उसके अंदर से जो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो आपको लगता है कि हाँ जी ये पॉइंट्स मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। क्योंकि बेटा अभी आपके पास टाइम है, आप अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, स्टार्टिंग है, आप बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, बाद में एग्जाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा से सारा पढ़ा जाए। तो आपके पास जब नोट्स होंगे तो एग्जाम जब पास आएगा तो उस टाइम पे आप अपने नोट्स से प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। क्या करना है, हर एक टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखो, अगर मान लो मैं सेम टाइप के, मेरे पास में अगर मैं सेम टाइप के 50 क्वेश्चंस कर लेती हूँ, ठीक है, और वो वाले टाइप एग्जाम में आते भी नहीं, फिर उसका कोई फायदा है नहीं। इसके अलावा हमने क्या करना है कि जो जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो टाइप्स एग्जाम के अंदर आ रही है, उन टाइप्स के सभी के 2-2 क्वेश्चंस कर लो, 2-2 टाइप्स कर क्वेश्चन कर लो। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम टाइम एंड वर्क की बात कर रहे थे, तो अब उसके अंदर हम यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर मान लो मैं टाइप्स क्लियर कर लेती हूँ कि भाई अल्टरनेटिव डेज पे वर्क कर रहे हैं, तो मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया अल्टरनेटिव वाला, ठीक है। तो जब आप दोबारा से जब रिविजन कर रहे होगे, तो वो जब आप उस सिंगल क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करोगे तो उस टाइप की कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्वियसली आप एग्जाम में कर लोगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर हमारे पास में सेकंड टाइप मैंने करी कि हाँ जी बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क वाले क्वेश्चन कैसे करने, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क वाले क्वेश्चन कैसे करने, बीच बीच में कोई अपने हेल्प के लिए कोई पर्सन आ जाता है तो उस केस के अंदर क्वेश्चंस कैसे करने, मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस कैसे करने। तो इस तरह से हर टाइप के क्वेश्चंस की, हर टाइप का एक-एक क्वेश्चन एटलीस्ट, दो नहीं तो एटलीस्ट एक-एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, उसको कैसे सॉल्व करना है वो मेथड यूज कर नोट डाउन कर लो कि हाँ जी ये है। और जब आप एग्जाम में जाओगे तो उस टाइम पे उसको आप रिवाइज कर लोगे। रिवीजन मस्ट है, बट अभी हम स्टार्ट करें तो पहले क्या करना, हमने सिलेबस कवर करना, बट सिलेबस भी प्रॉपर तरीके से कवर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कवर होना चाहिए, ओके। तो बेटा चाहे आप 5000 क्वेश्चन कर लो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बट अगर आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के कर लेते हो, जैसे कि एग्जाम में आते हैं, और उनको हर एक क्वेश्चन को विद कंसेप्ट करते हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन करे हैं, सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे ना, हाँ, अगर इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन या इस लॉजिक पे बेस्ड कोई दूसरा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाता है तो उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। तो आपने क्या करना है बेटा, नोट्स बनाने। नेक्स्ट पॉइंट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभी मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बिकॉज वी आर कवरिंग द सिलेबस। जब हम सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद में उसका टेस्ट मस्ट है जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस ये जो मेरा टॉपिक है वो मेरा प्रॉपरली प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर टेस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कर पाती या नहीं कर पाती। ओके, और टेस्ट को सिर्फ टेस्ट करना नहीं, उसके बाद में उस टेस्ट का रिव्यू लेना है। रिव्यू के बाद में अगर आप देखते हो कि इसके अंदर मुझे कुछ नया पॉइंट मिला है तो उस पॉइंट को अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लेना। पॉइंट इज क्लियर? सो अगर आप लोगों को इस तरह से, अब सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है बेटा, सभी की अपनी है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जितने मैंने पेपर्स चेक किए हैं 10 ईयर्स के, तो उसके अंदर से मैंने यही देखा है कि अगर जो स्टूडेंट इस तरह से प्रिपेयर कर रहा है वो इजीली क्वालिफाई कर लेगा, चाहे उसका मैथ्स वीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है। इट डजेंट मैटर कि आप मैथ्स बैकग्राउंड आपका है या नहीं है, ठीक है, आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड है या नहीं है, बट अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो देन डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई योर सीसैट एग्जाम। ओके, तो इसी के लिए यस, इन्हीं सभी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए यूपीएससी सीसैट के लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं। फाउंडेशन कोर्स हमने डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हम आपको 100+ लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, 100+ लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि आपका सिंगल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बेटा लाइव क्लासेस हैं, सारे की सारी डाउट अगर होता है साथ आप अपनी क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हो। अगर टीचर ने कोई आपको कंसेप्ट कराया देन वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर डाउट है दैट मीन्स कि फिर हम नहीं सोच सकते आगे, ठीक है। मीन्स जिस स्टेज पे जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, सेम फॉर जीएस पेपर 1, जहाँ पे भी आपका डाउट है बेटा पहले उस डाउट को क्लियर करना है फिर आगे बढ़ना है। ओके, अगर हम लूप होल्स बीच में छोड़ते हुए चले जाएंगे तो एक बड़ा होल हो जाएगा और हम उसके अंदर गिर जाएंगे, ये मान के चलो। दैट मीन्स व्हाट कि हमने एक डाउट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए हमने 100+ आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हर एक लेक्चर के साथ में क्या मिलेगा आपको, एक तो लाइव क्लासेस तो है ही है, साथ में ही आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं, वेब नोट्स अटैच हैं क्लास के साथ में ही। क्लास के साथ में जो आपको क्वेश्चंस कंसेप्ट हम करवा रहे हैं उसकी PDF अटैच है। ओके, इसके साथ में ही यस माइक्रो टेस्ट इज मस्ट, हर लेक्चर के साथ में एक माइक्रो टेस्ट अवेलेबल है सो दैट कि आपको ये पता चले कि हाँ जी आज जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ आया, मेरी कितनी क्लियरिटी हुई है उस पर्टिकुलर लेक्चर के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको उस टेस्ट के क्वेश्चंस में भी किसी में डाउट आता है या आप कहीं और से भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, 3000 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, तो उस केस के अंदर अगर आपका कोई डाउट आता है तो उसके लिए स्पेशल डाउट सेशन रखा है बेटा। स्पेशल डाउट सेशन रखा है कि जब आपका टॉपिक कंप्लीट है तो उसके बाद में अगर आपके कोई डाउट क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके डाउट है तो स्पेशली उसके अंदर आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ओके, एंड यू विल ऑल्सो हैव ए डेडिकेटेड मेंटर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है थ्रू योर कोर्स, इन दैट केस यू हैव ए डेडिकेटेड मेंटर। ओके, यस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.abhipedia.abhimanyu.com। ओके, और जो लाइव कोर्स है हमारा फाउंडेशन कोर्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है एंड द लिंक इज दिस वन। ओके, लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन, जब आप वीडियो चेक कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड, आप वहाँ पे अगर कोई भी आपकी क्यूरीज है तो उस क्यूरी के रिगार्डिंग आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो अगर आप लोगों को लगता है कि है हेल्पफुल देन वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके फ्रेंड्स यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।